अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, आप सब कैसे, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है 32 बोर रिवॉल्वर के ऊपर, जो कि पाक मेड है। बहुत से दोस्त कमेंट करते हैं कि आप रिवॉल्वर के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो ये हमारे पास जो है ये बहुत पुरानी है, तकरीबन 1988 जो 87 वगैरह का ये मॉडल है, पाक मेड है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत से दोस्त जो है कमेंट करते हैं कि यार ये इटली वाला ये वो है ना, अमेरिकन है ये। तो आजकल के दौर में तकरीबन हर मुल्क अपना अपना जो है असलाह बना रहा है। AK-47 अगर 56 मॉडल हो तो एजेंट में भी होता है, AK-47 अगर 56 मॉडल हो तो जर्मनी में भी हो सकता है और चाइना में भी हो सकता है और पाक मेड में भी हो सकता है। तो हर एक जो है एक अपना जो है सिर्फ क्वालिटी में अपना जो है जर्मनी की जो AK-47 सबसे महंगे जर्मनी के AK-47 है, और इसके बाद जो है रशियन की AK-47 सबसे ज्यादा महंगे है। फिर तो इसको मैंने जो है कलर किया हुआ है, आप देख लें, ये बहुत ज़्यादा जंग थी लेकिन मैंने इसकी सफाई वगैरह किया तो वीडियो वगैरह के काबिल किया और फायर वगैरह के लिए, ताकि इसकी जो टेस्ट फायर है वो भी आपको दिखा सकूं। और इसके अलावा जो है इसकी तकरीबन आजकल की होम डिफेंस के लिए भी, सेल्फ डिफेंस वगैरह के लिए काम, कुछ भी काम की चीज़ नहीं है ये पिस्टल, क्योंकि इसका इतना रेंज भी नहीं होता और इतनी जो इसका जो बुलेट्स है मैं आपको दिखा सकूँ। तो इसके हमारे पास जो है चंद बुलेट्स पे हैं, ये 6 बुलेट्स हैं। तो इसके ऊपर टेस्ट भी करेंगे और देखेंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो ये भी आप देख लें, ये हमारे साथ जो बुलेट्स हैं आप देख लें, इतनी पावरफुल नहीं होती इसके जो बुलेट्स हैं। तो ये लोकल मेड है, इसके बुलेट्स महंगी भी है, तकरीबन 600 रुपये में आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 10 राउंड जो है इसके मिलेंगे। और इसके अलावा अगर पिस्टल के अंदर की मैं आपको इसको देखा सुन, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि तकरीबन इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होती, बस साथियों के साथ होंगे जो नए नए में भी आते हैं इस रिवॉल्वर के। आजकल नए मॉडल बन रहे हैं ना, तो बकवास है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ना सेल्फ डिफेंस के लिए, ना होम के लिए, किस चीज़ के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप TT के पिस्टल 12,000 में बनाएं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर हो गए। तो आप देख लें, ये आपके इसका लॉक भी है, ये उधर करें तो ये मुकम्मल तौर पर ये लॉक हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा प्रेस करें, ये तो ये खुद ब खुद जो है ये खुल जाएगा। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम चंद फायर करके देख लेते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक करते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन दोस्तों ने बहुत कमेंट किए थे कि यार रिवॉल्वर के ऊपर बनाए, तो मैं आपको इंशाल्लाह अभी वीडियो भी आपको बना रहा हूँ। और इसके अलावा अगर किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, तो करीबन 7-8 हज़ार में आपको अच्छी क्वालिटी की बन जाएगी। ना इसका स्टाइल है, ना कोई ऐसी पावर है इसकी, पता नहीं लोग इसको क्यों पसंद करते हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये पिस्टल। तो चलिए इसके अंदर जो है मैं कार्टेजेस डाल देता हूँ, जो हमारे साथ चंद बुलेट्स हैं। साउंड क्वालिटी इसकी चेक करके देख लेते हैं कि और इसके अलावा जो है ये आप देख लें, चलो मैं इसको लोड करके देख लेता हूँ, उसके बाद पहचान के आपका टाइम जो है ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो फाइनली हमारे जो पिस्टल है वो रेडी हो गए, तो चलिए टेस्ट फायर करके देख लेते हैं। फ्रेंड, आपने देखा है साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और इसके अलावा जो है इसने तकरीबन जो है सारे जो है टेस्ट फायर किया, ये आप देख लें, तो आप ये भी देख लें, ये सब जो है इसने अच्छे तरीके से जो है फायर किया हुआ है। तो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी साउंड जो है इसकी बहुत ज़्यादा भारी थी, आराम पिस्टल्स के हिसाब से TT से भी ज़्यादा भारी आवाज़ थी, क्योंकि इसके जो कब बुलेट्स हैं ओरिजिनल बुलेट्स हैं, तो इसलिए। तो फ्रेंड, ये थे आज के हमारे वीडियो में, देखिए आज के हमारे वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो करें हमारा इंतज़ार कीजिए, अपना ख्याल रखिए, या अल्लाह हाफिज़।